हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममून और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बनाऊंगी चिकन कोरमा। तो दोस्तों, अगर आप सारे प्रिपरेशन पहले कर लेते हो तो कोरमा बनाना बहुत आसान है। तो फिर चले पहले कोरमा का प्रिपरेशन कर लेंगे। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैरिनेट करने से चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। 800 ग्राम चिकन को मैंने वॉश करके लिया है। एक टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तीखा कम या ज़्यादा आपकी हिसाब से रखें। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ में डाल देंगे एक टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक डाल देंगे। अब सारे को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। दही को भी चिकन के साथ मैरिनेट कर देंगे। दोस्तों, चिकन को मैरिनेट करने से सारा मसाला चिकन के अंदर आ जाती है, तो चिकन बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे मैरिनेट करना ज़रूरी है। अब ये सारे मैरिनेट हो गया है। अब इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी गर्म पानी लिया है। उसी में डाल देंगे 14 से 15 बादाम। अब इसे हम सोक कर लेंगे। 15 मिनट के अंदर ये सोक अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हम गर्म पानी लिया है। सोक हो जाने के बाद हम बादाम को पीस लेंगे। आप यहाँ पे काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक पैन को हीट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा खड़े मसाला को हम रोस्ट कर लेंगे, जिसे हम एट में डालेंगे। डाल देंगे एक छोटा चम्मच जीरा, आधा चक्रफूल यानी जिसे स्टार एनिस कहते हैं, 5 छोटी इलायच का बीज, यहाँ पे मैंने सिर्फ बीज का इस्तेमाल किया है, 4 लौंग, 12 से 13 काली मिर्च, 2 छोटे दालचीनी का टुकड़ा। अब सारे को हम मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें मसाला को जलाना नहीं है। जब थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तब पैन से हम निकाल लेंगे। इसे रोस्ट होने में करीब 2 मिनट लगेगी। 2 मिनट के बाद ये सारे मसाला हो चुकी है। अब इसे फटाफट निकाल देंगे प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा मिक्सी में घुमा लेंगे। ये मसाला को हम एंड में डालेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल हीट किया है। ऑयल हीट हो जाने के बाद डाल देंगे 4 मीडियम साइज प्याज, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट किया है। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम ज़्यादा हाई या फिर लो नहीं रखना है, मीडियम पे रखेंगे। कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हो कि प्याज यहाँ पे गोल्डन हो चुकी है। अब इसे निकालने के यहाँ पे मैंने सारे प्याज को निकाल दिया है। अब ये प्याज ठंडी हो जाने के बाद और ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। प्याज ठंडी हो जाने के बाद हम इसे थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे, फिर आप हाथों से प्रेस करके ले सकते हो। और यहाँ पे हम सेम ऑयल में कोरमा बनाएंगे। पहले कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में लिया है मैंने 5 छोटी इलायच का छिलका, इसका बीज मैंने पहले से रोस्ट करके लिया है। अब इसका हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पे छिलका डाल दी। 1 छोटी दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। अब डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन। पहले हम चिकन को हाई फ्लेम में कुछ टाइम के लिए फ्राई करेंगे, ताकि दही और चिकन में जितना भी पानी है वो सारे निकल जाए। अब पैन को कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने कवर को हटा दिया है और आप देख सकते हो कि चिकन में कितना पानी आ गया है। बस ये सारे पानी को हम सुखाना है, यानी ड्राई करना है। तो मैंने पैन को यहाँ पे और कुछ टाइम के लिए कवर करके पकाया है। 4 से 5 मिनट के बाद मैंने कवर को हटाया है। अब चिकन को थोड़ा सा चला देंगे। और यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 से 5 टेबलस्पून दही। दही को चिकन के साथ मिला देंगे।
दोस्तों यहाँ पे फ्रेश वाला दही यूज़ करना है हमें, बिल्कुल भी खट्टी वाली दही यूज़ नहीं करना है। दही डालते वक्त फ्लेम को हम लो पे रखेंगे, नहीं तो दही फटने की चांसेस होती है। यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से मिला दिया है। अब पैन को कवर करके 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। अब बीच बीच में थोड़ा सा ओपन करके चेक भी कर सकते हो। अब 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटा दिया है। अब चिकन को चला देंगे। अब डाल देंगे बादाम का पेस्ट और साथ में डाल देंगे फ्राई हुआ प्याज का पेस्ट। सारे को हम अच्छे से मिला देंगे। पैन को कवर करके हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटा दिया है। यहाँ पे आप ग्रेवी का कंसिस्टेंसी देख सकते हो। आपको थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ये थोड़ा सही लग रहा है तो मैंने पानी ऐड नहीं किया है। अब चिकन को चलाने के बाद ऐड कर देंगे रोस्टेड मसाला जिसे हम पहले बना के रखे थे। अब चिकन को मसाले के साथ मिला देंगे। अब इसे आधे मिनट से भी ज़्यादा हम फ्लेम पर नहीं रखेंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारा चिकन कोरमा तैयार है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि कलर थोड़ा अच्छा दिखे। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटा दिया है। अब आप देख सकते हो कि चिकन का कलर कितना अच्छा है और कंसिस्टेंसी भी एकदम सही है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।